अच्छा दोस्तों, आइए हम सब अच्छे हो गए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले Xiaomi HyperOS 2.0 का ग्लोबल अपडेट जो आने वाला है। आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि आपको कौन कौन से फीचर यहाँ पे आपके डिवाइस में देखने को मिलेंगे। जैसे कि पता है, चाइना में कल पोको X6 Pro के लिए अपडेट जा चुका है, उसकी वीडियो भी आएगी, जल्दी आएगी। बट अभी हम बात करते हैं कि आपके फोन में कौन कौन से फीचर्स आने वाले, ऑफिशियल कंफर्म है एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एंड एक्साइटेड हो सकते हो कि वो कौन सा फीचर आपको देखने को मिलेगा एंड कौन सा फीचर आपके फोन में नहीं आने वाला है। ये थोड़ी सैडनेस वाली बात है, बट हम करते हैं मूव टू स्क्रीन। तो यहाँ पे देखो, ये HyperOS की ग्लोबल ऑफिशियल यहाँ पे वेबसाइट है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, Xiaomi HyperOS न्यू बिगिनिंग। अब ये वेबसाइट यहाँ पे अपडेट कर दी गई HyperOS 2.0 की। एंड देखो, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है ग्लोबल में या इंडिया में भी कि HyperOS या कोई भी OS लॉन्च नहीं किया गया Xiaomi की तरफ से एंड वो डायरेक्टली यहाँ पे रोल आउट अपडेट स्टार्ट हो चुके या हो जाएंगे, अभी मिला नहीं है बट यहाँ पे देखो मिल जाएगा। तो हमें जो फीचर्स हैं वो इस वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप लोगों को लॉक स्क्रीन देखने को मिलने वाली है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके के व्यू की, यानी जितनी भी लॉक स्क्रीन आपके फोन में अपेयर होंगी वो आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे देख सकते हो Mi Mix Fold भी अपेयर आने वाला है Xiaomi का, वो यहाँ पे टीज कर दिया गया है, यह ग्लोबल में अवेलेबल होगा वो कन्फर्म नहीं है। बट यहाँ पे देखो, ये आपको लोकेशन देखने को मिल जाएगी Xiaomi की लोकेशन, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सो पैड के लिए, यहाँ पे फोल्ड फ्लिप के लिए एंड यहाँ पे देख सो आपको नॉर्मल फोन के लिए सारी डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो कि लोकेशन की अपेयर होंगी। वहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा रियलिस्टिक लुक पावर्ड बाय एटमोसफेयर मॉडल, यानी कि 3D मॉडल के आपके वेदर यहाँ पे वेदर UI चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा आपको ग्लोबल में, जो कि DevVec के साथ वर्किंग करता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो DevVec वर्क कर रहा है, यहाँ पे 9 पे देख सकते हो, 6 पे देख सकते हो, तो कुछ तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ये वेदर के पूरे वॉल पेपर देखने को मिल जाएंगे एंड देखो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे वेदर में आपको कुछ इस तरीके का एनिमेशन देखने को मिल जाएगा लाइव फॉर्मेट के साथ। अब देखो, एक न्यू क्लीनिंग रेफरेंसिंग विजुअल एक्सपीरियंस होगा, जो कि सेम वेदर एंड क्लॉक UI अपेयर होगा। न्यू एनिमेशन स्मूदर एक्सपीरियंस लाइक कंट्रोल सेंटर की जो कस्टमाइजेशन है या कंट्रोल सेंटर की जो एनिमेशन है वो आपके फोन में जरूर से अपेयर होंगे। यहाँ पे देख सकते हो पुल डाउन नोटिफिकेशन सेट कंट्रोल सेंटर, कुछ इस तरीके के आपको मोड देखने को मिलेंगे। ओपन होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन, ये एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा ग्लोबल में, और ज्यादा एनिमेशन की आप लोग उम्मीद मत करना। मे बी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन या प्राइस रेंज के हिसाब से इनमें फीचर्स या एनिमेशन अपग्रेड कर दिया जाए इन फ्यूचर, बट अभी जो वेबसाइट पे फीचर है वो आप लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। अब Xiaomi इंटरकनेक्टिविटी यहाँ पे देख सकते हो, फास्टर स्मूदर मोस्ट रिलायबल एंड अपग्रेड परफॉर्मेंस। अब ये चीज तो देखो यार, ऑन पेपर ही ज्यादा अच्छी लगती है, रियल लाइफ में टेस्ट करते हो तो आपका डिपेंड करता है कैसी चीज आपके यहाँ पे बिहाइंड परफॉर्मेंस कर रही है। यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, देखो अनफाइड ऐप इकोसिस्टम, लाइक वो स्मार्ट कनेक्टिविटी का फीचर देखने को मिल जाएगा, ऐप टू पैड एंड पैड सिंपली आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, साउंड सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे Xiaomi इंटरकनेक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी। अब देखो कॉल के साथ भी सिंक करेगा एंड यहाँ पे इको सिस्टम का होने वाला है, विंडोज के साथ भी कनेक्ट करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ Xiaomi HyperOS 2.0 के फीचर देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड साथ ही साथ यहाँ पे रिलीज शेड्यूल भी देखने को मिल जाता है Xiaomi फोन्स के लिए, पोको फोन्स के लिए, जो कि यहाँ पे देख सकते हो पोको X6 Pro एंड पोको X6 पोको M6 Pro एंड यहाँ पे टैबलेट्स देखते हो, वियरेबल्स देख सकते हो, फोन्स कुछ ये देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हो प्रॉपरली डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब देखो यही कुछ Xiaomi HyperOS 2.0 के फीचर्स हैं, जो कि आपको ग्लोबल में देखने को मिल जाते हैं, और छोटे मोटे सिस्टम के अंदर चेंजेस होंगे बट अभी हाईलाइट फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड जैसा मैंने अपनी HyperOS वीडियो जो कि चाइना में रोल आउट हुआ था जब एक्सप्लेन किया था, वहीं पे मैंने बता दिया था कि देखो ग्लोबल में AI का नामो निशान नहीं आने वाला है Xiaomi HyperOS 2.0 में। एंड सेम वैसे ही हुआ, देखो वेबसाइट पे एक बार भी AI को मेंशन नहीं किया गया है। अगर एक यहाँ पे लॉन्च होना होता तो Xiaomi HyperOS 2.0 के जो फीचर्स हैं उनमें AI को भी मेंशन किया जाता है देखो, बट AI वाला फीचर्स कोई भी ग्लोबल के लिए अपेयर नहीं होगा, सिंपली आपको ये कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे। एंड जब देखो पोको X6 Pro के ऊपर वीडियो आने वाली है या जब भी ग्लोबल में कोई से डिवाइस के लिए अपडेट रोल आउट होगा तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा और डिटेल फीचर्स के लिए, बट अभी के लिए आप लोग इन्हीं फीचर्स से उम्मीद लगा सकते हो, ये आपको यहाँ पे को मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आई है या इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना एंड पोको X6 Pro का अपडेट वाली वीडियो कल जरूर से आएगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग न्यू हो। तो हम मिलते हैं कोई अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।